लाहौर पार्किंग कंपनी में करोड़ों रुपए के करप्शन केस पर भी आज ही समाप्त होगी। अदालत के रूबरू आज लाहौर पार्किंग कंपनी केस के दो मुल्जमान ताफीर अहमद और उस्मान कयूम को जेल से पेश किया जाएगा। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने माली बदनवानी और बकरा रूल की खिलाफवर्जी करते हुए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया था। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताफीर अहमद और चीफ फाइनेंस ऑफिसर उस्मान कयूम पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। इन्होंने सियासी लोगों को नवाजने के लिए 232 जो पार्किंग ठेके थे इनमें सिर्फ 33 साइट से ठेके दिए और 199 अपने पास रखे थे। यूं मुल्जमान ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस केस में दीगर तीन मुल्जमान फैजान बली, साद रफीक और फैसल राव 8 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन के तहत रिहाई हासिल कर चुके हैं, जबकि इन मुल्जमान के खिलाफ केस की समाअत लाहौर में एहतसाब अदालत के रूबरू जारी है। जी